नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप लोगों का पेट की तैयारी करवा रहा है, और इस पेट की तैयारी में अगर आप देखें तो 12 क्वेश्चन से रिलेटेड 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न आपके 12 से रिलेटेड होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, तालिका से रिलेटेड होते हैं। तो हर रोज दोपहर में 2 बजे ये बार का दस प्रश्न द मास्टर प्रकाश क्लासेस इसकी प्रैक्टिस रोजाना करवा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पेट के एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, और इन 100 प्रश्नों का अगर हम टाइम टेबल का जिक्र करें तो 70 प्रश्न आपके दोपहर में 1 बजे आते हैं। कितने बजे आते हैं? 1 बजे आते हैं। उसके बाद में अल्टरनेट डेज पे 10 जो आपका होता है मैथ का प्रश्न आता है, और 10 आपका क्या होता है भैया, रीजनिंग का प्रश्न आता है 1:30 पर। रोजाना का जिक्र कर रहे हैं, तो अल्टरनेट डेज पे एक दिन आपको 10 नंबर मिलेगा मैथ का, अगले दिन आपको 10 नंबर रीजनिंग का मिलेगा। 2 बजे रोजाना आपका क्या मिलता है, बार से रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 2:30 पर हम लोग तालिका से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डेली आपको 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ये स्पेशल आप कह सकते हैं, आपका ये जो जिस बुक से आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी बुक है, मार्केट में आप अवेलेबल भी है। तो ये अरविंद पब्लिकेशन बुक से ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके करवाए जा रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आप पेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो पेट का वीडियो आप रोजाना जरूर देखिए। इसीलिए दोपहर में रखा है, क्यों? क्योंकि आप अपने दिनचर्या से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और आराम से आप बैठ के क्या करेंगे, पेट की तैयारी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी जितने भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाएगा वो सब पेट के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको मेंस के एग्जाम में बैठने को मिलेगा। आप जानते हैं कि बहुत बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा से लेखपाल के बाहर हो गए हैं, और क्या कहते हैं, सेल्टेक्स ये आपका वैकेंसीज आई थी, ठीक ना, उसमें भी ये क्या कर दिया गया है, बाहर हो गए हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था, तो बहुत बच्चे बाहर हो गए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना आप दोपहर में जरूर आप देखिए, और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं हम लोगों के साथ में, तो यकीन मानिएगा कि आपके 80 से 90 प्रश्न आराम से हूबहू इसी क्लास से मिलने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सुकून से क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहे पिछले वर्ष में विभिन्न अनाजों के उत्पाद टनों में क्या है भैया, ये मेंशन किए गए हैं। टन का मतलब क्या हुआ, कुंटल में चीजें दी गई हैं। आइए इधर ये क्या है, टन में उत्पादन है, और ये क्या दिया गया, वर्ष दिया गया। वर्ष आपका 2004 है, 2005 है, 2006 और 2000 क्या भैया, 7, ये 3 वर्ष दिए गए हैं। आइए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ था, ठीक ना, कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ था ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऐसा फसल है जो समान मात्रा में, जैसे यहां पे देखिएगा ये जो लाइनिंग है भैया ये किसको दिखा रहा है, चावल को दिखा रहा है, किसको, चावल को। यहां पे देखिएगा ये जो है ये मक्का को दिखा रहा है, और ये जो काला वाला पट्टी है किसको भैया, ज्वार को दिखा रहा है। 3 फसलें आपके पास है। यहां से देखिए कह रहा विभिन्न वर्षों में, मतलब सभी वर्षों का जिक्र किया गया, तो आपका 9 टन होगा। देखिए 2004 में अगर देखें तो यहां पे क्या है भैया, 9 टन। 2000 अगर आप 5 में देखें तो यहां पे मक्का और आपका क्या है भैया, ज्वार, ये तीनों बराबर है। यहां पे देखिएगा मतलब कि 2007 में मक्का, तो एक चीज आप देखिएगा ये तीनों फसलों का मतलब क्या हुआ, चावल मक्का ज्वार, ये विभिन्न वर्षों में समान मात्रा में उत्पादन इनका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच
मात्रा का अंतर करीब कितने टन का है। तो कोई भी फसल आप ले लीजिए जिनके बीज का अंतर ठीक ना अधिकतम और न्यूनतम हो, तो आप यहां से देखिएगा 82 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगर हम यहां से देखें तो हमसे क्या कह रहा है, अगर आप इन दोनों में देखें किसमें 2005 और 2000 किसमें देख लीजिए 6 में देख लीजिए, तो 2005 में अगर आप देखें तो ये आपका क्या है भैया मक्का है, 2005 में अगर आप देखें तो कितना 9 टन हुआ, कितना टन हुआ 9 टन आपका हुआ, बातें समझ रहे हैं। और 2006 में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें अगर आप ध्यान से तो एक ही टन हुआ, ये 2005 की कंडीशन और 2006 में अगर आप देखें तो कितना एक ही टन हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 8 टन, 8 टन का मतलब 8 क्विंटल, बातें समझ रहे हैं भैया। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये चीजें टन में दी गई हैं ठीक, तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये यहां से देखिएगा ये टन में है ना, तो ये आपका 900 टन हो जाएगा, हमने गलत लिख दिया, ये कितना भैया 900 टन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 100 टन हो जाएगा, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 800 टन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2004 से वर्ष 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़ों का प्रतिशत आपको बताना है, तो चावल के यहां से देखिएगा वर्ष 2004 से ये 4 है और वर्ष 2007 के बीच में चावल के उत्पादन का जिक्र किया गया है, प्रतिशत आपको बताना है। तो कह रहा है कि वर्ष 2004 से वर्ष 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं इतने परसेंट की कमी। तो देखिएगा वर्ष 2000 अगर यहां से आप ध्यान दें 4 में चावल का अगर जिक्र करें तो चावल ये पोजीशन है चावल की, बोलो वर्ष 2004 में अगर आप देखें तो कितना है 900 क्विंटल चावल है, बातें समझ रहे हैं। और अगर आप यहां से देखें किसमें ये कौन सा प्रश्न, अच्छा ये हो गया ये ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर यहां से आप देखें तो हमसे क्या कह रहा भैया वर्ष 2004 इसमें चावल का ही तो जिक्र किया गया है, तो चावल अगर आप ध्यान से देखें वर्ष 2004 में चावल 900 क्विंटल, 2005 में अगर आप चावल देखें तो यहां से देखिएगा ये आपका कितना हो जाएगा 300 क्विंटल, 2000 इसमें देखिएगा तो ये दोनों बराबर है 300 क्विंटल और 2000 अगर इसमें आप देखें तो कितना भैया 400 क्विंटल, कितना है 400 क्विंटल। तो यहां से देखिएगा आप अगर 9 में आप देखें तो कितना है 400 क्विंटल है और इसमें कितना है भैया आपका 900 क्विंटल है, तो माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 500 क्विंटल, भाई ये यहाँ पे देखिए 900 क्विंटल है और ये आपका क्या है 400 क्विंटल है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 500, टोटल कितना आपके पास है 900 क्विंटल, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, यहाँ से ये इससे ये दो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 500 बटा 900, 9 पचे 45 फिर 9 पचे 45, बातें समझ रहे हैं, 9 पचे कितना हो जाएगा भैया 45 होगा और 9 पचे 45 होगा, तो यहाँ से देखिएगा लगभग कितना परसेंट का कमी हुआ है, तो ये अगर आप देखें 2004 में 900 टन था और यहाँ पे घट के कितना हो गया 400 टन हो गया, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कमी अगर आप देखें ध्यान से तो 55% का क्या हुआ है कमी हुआ है। अगला प्रश्न कमी ही था नहीं था अधिक पे लगा दिया कमी ही था, आ जाओ यहाँ पे देखिएगा वही चीजें कह रहा, मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई, तो मक्का मेरे भाई अगर आप देखें तो मक्का ये है 3 गुना किस वर्ष में आपकी वृद्धि हुई, तो मक्का का अगर जिक्र करें 2005 में अगर आप देखें तो मक्का अगर आप देखें तो ये कितना है भैया 900 टन है, कितना है 900 टन है। फिर अगर आप देखें 2004 में, 2004 में अगर आप ध्यान दें तो इसमें कितना टन है 3 गुना से कह रहे हैं, हाँ लगभग ये कितना है भैया 3, ये 3-4, तो 2004 में अगर आप देखें तो कितना है 3 टन है, मतलब 300 टन है। और अगर आप इन दोनों में अगर आप ध्यान दें, बातें समझ रहे हैं, इन दोनों में अगर आप क्या करें ध्यान दें, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना उत्पादन हुआ, तो किस
किस वर्ष में 3 गुना उत्पादन हुआ, तो किस वर्ष में 3 गुना उत्पादन हुआ, 2000 अगर आप 5 में देखें, बातें समझ रहे हैं, तो ये कितना गुना उत्पादन हुआ भैया, 3 गुना उत्पादन हुआ। 2000 अगर 5 में देखेंगे तो ये कितना गुना, 3, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 2004 में 300 कुंटल रहा और 2000 ठीक ना भैया 5 में कितना रहा, 900 कुंटल, तो कितने का हुआ, 3 गुना हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कह रहा है किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, तो यहाँ से देखना पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, किस में वृद्धि हुई है, सभी वर्षों का जिक्र किया है, कह रहा है कि किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में, तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस में वृद्धि हुई है, तो अगर आप ध्यान दें 2006 और 2007 में यहाँ पे देखो इसमें वृद्धि हुई कि नहीं, इसमें वृद्धि हुई कि नहीं, इसमें वृद्धि हुई कि नहीं, तो यहाँ से देखिएगा पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 2006 की तुलना में 2007 में सभी फसलों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न यहाँ से हमसे कह रहे हैं किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना रहा, तो ज्वार का उत्पादन आप लोग देख लीजिएगा, ज्वार आपका कौन सा है, ये है, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना अगर आप देखें, तो ये अगर आप ध्यान से देखें ये लगभग कितना है भैया, 3 है, और अगर आप इसमें देखें ये कितना है, 6 है, तो यहाँ से देखिएगा 2006 और 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में 2006 में अगर आप देखें ध्यान से, तो हमें यही तो कह रहा है कि किस वर्ष का न किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हुआ है, तो लगभग अगर आप यहाँ से भी देखें 2004 में भी तो हुआ है, ध्यान से देखो ये कितना, ये अगर आप 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, पिछले वर्ष की तुलना में अगर इसको देखें आप ध्यान से, ये 4 पे है कि 4 से ज़्यादा है, बोलो ये 4 पे है कि 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ से देखो पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखें तो ये, और ये कितना है, 4.5 पे है ना, ये 4 से थोड़ा से ऊपर है ना, तो 5 है, 5 के 5 यहाँ पे होगा, तो इन दोनों के बीच में, तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप, ये 4.5 है और ये आप देखिएगा 9 टन हो गया, ये 4.5, तो जस्ट आपका क्या हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो हमसे कह रहा है कि ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 का, बिल्कुल सही, पिछले वर्ष की तुलना में, तो यहाँ से देखिएगा वर्ष 2005। अगला प्रश्न कह रहा है कितने यहाँ से देख लीजिए, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 300 बच्चे हैं, बातें समझ रहे हैं भैया, 300 क्या है, बच्चे हैं, और यहाँ पे देखिएगा खेल को क्या करते हैं ये लोग, पसंद करते हैं, जेके रोलिंग एक खेल होती है ठीक ना, और एनिड ब्लाइटन एक खेल होता है, और ये रेस्किन बांड एक खेल होता है, रोल्ड हार्ड ठीक ना, तो यहाँ से देखिएगा ये आपके सब स्टूडेंट दिए गए हैं, ये आपको बताना है, कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे एनिड ना ब्लाइटन, तो यहां से आपको बताना है कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं एनिड ब्लाइटन को पसंद करते हैं, तो ये आपको बताना है, तो यहां से देखिएगा ये जो डाटा दिया गया ये यही तो है, ये देखो खाचा खाचा, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, 50 ठीक, टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 300 स्टूडेंट हैं, गुड़े क्या करा देंगे 100, ये 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 छक्का 16 3 48, तो 16.66 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर होगा, तो एनिट ब्लाइटन जो आपका खेल होता है ये कितना 16.66 लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगला कुछ चीजें हिंट दे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जेके रॉलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ना, जेके रॉलिंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या की तुलना में कितने अधिक बच्चे एनिट ब्लाइटन और ये ना रस्किन बॉन्ड को पसंद करते हैं ना, तो यहां से आपको बताना है कि रस्किन बॉन्ड और एनिड ठीक ना ब्लाइटन को कितने लोग पसंद करते हैं, तो यहां से देखिएगा दोनों का आप क्या निकाल लीजिए, अगर आप देखें तो जेके को पसंद करने वाले, आप ध्यान दीजिएगा जेके रोलिंग को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 110 हैं, कितने हैं 110 हैं, ध्यान से समझना। फिर अगर हम लोग जिक्र करें तो ये अगर आप देखें तो ये
रस्किन बॉन्ड को पसंद करने वाले हैं, और उसके बाद में अगर आप ध्यान दें तो 50 50 किसको पसंद करते हैं, ब्लाइटन को पसंद करते हैं। बातें समझ में आई? तो इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, ब्लाइटन और ये, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 130। कोई दिक्कत? अगर इन दोनों का अंतर आप निकालेंगे कितने का आ जाएगा, 20 का। तो यही तो हमसे पसंद पूछा है कि तुलना में कितने अधिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने अधिक हैं, 20 अधिक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लाइटन को पसंद करने वाले 1/5 बच्चों, 1/5 बच्चे इस सर्वेक्षण से बाहर निकाले गए निर्णय लेते हुए। तो ब्लाइटन को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत आपको बताना है। तो मतलब कि इतना प्रतिशत बच्चे क्या है सर्वेक्षण, मतलब 1/5 बच्चे जो हैं वो ब्लाइटन खेल के दौरान, मतलब सर्वेक्षण के दौरान ये क्या कर दिए थे, बाहर कर दिए गए थे। तो मेरे भाई एक चीज़ आप बताओ, कितने लोग हैं? 50 लोग हैं ब्लाइटन को पसंद करने वाले। 1/5 बाहर कर दोगे, कितने बाहर हुए? 10 बाहर हो गए। बचे कितने? 40 ही तो बचे। बोलो बचे कितने? 40 ही तो बचे। टोटल आपके पास कितने थे? 300। 300 में से अगर आप 10 बाहर कर दोगे कितना आ जाएगा? 290। तो यहीं से आपको परसेंट बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? 400/290 और गुड़े क्या हो जाएगा भैया? 100। इसको काटोगे तो 13.79% आपका राइट आंसर होगा। बी ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ से आप बताइएगा, कह रहा है कि 300 बच्चे यहाँ से दिखे। कह रहा है यदि जेके रोलिंग को अपना पसंदीदा खेल बताने वाले 10% बच्चे रोल्ड डाहल के पक्ष में अपनी पसंद बदल देते हैं, अपनी पसंद वो क्या कर देते हैं, रोल्ड के चक्कर में वो क्या कर देते हैं भैया, बदल देते हैं। तो यहां से देखिएगा, रोल्ड डाहल को पसंद करने वाले बच्चों का नया प्रतिशत आपको बताना है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो यहां से देखिएगा, जैसे अगर हम लोग जिक्र करें रोलिंग वाले पे अगर आप देखें तो कितने लोग हैं, कहां गया ये बिंदी बिंदी, कितने लोग हैं भैया, 110 बच्चे हैं। ठीक, हमसे कह रहा है कि 10% बच्चे, ठीक ना, रोल्ड डाहल के पक्ष में अपना पसंदीदा बदल देते हैं। तो यहां से देखिएगा, अगर आप इसी का 10% निकालेंगे, बातें समझ रहे हैं, कितना आ जाएगा, 11। कोई दिक्कत? 11 बच्चे वो क्या हैं, रोल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो रोल्ड अगर आप देखें तो ये खाली वाला है, कितने लोग हैं यहाँ पे, 60 है। 10 लोग और आ जाएंगे तो कितना, मतलब ये 11 लोग और आ जाएंगे तो ये टोटल कितने होंगे, 71 लोग हो जाएंगे। बातें समझ रहे हैं, 60 + 11 कितना हो जाएगा, ये आपका कितना होगा भैया, 71 लोग आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसी का हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो 71/ टोटल कितने लोग स्टूडेंट है, 300 गुड़े आपका क्या हो जाएगा, 100, इससे कट जाएगा। 3 × 2 आपका क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। 20 something ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा 23.23। आपका कोई आंसर है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 23.6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 6 × 3 = 18, ठीक ना भैया। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 × 3 = 9, 2, हाँ सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये 10 प्रश्न आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जस्ट इसी के बाद में भी अभी आपको तालिका वाला मिलने वाला है 10 प्रश्न। तो आप इसी चैनल पे बने रहिए, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ आप बने रहिए, जिससे आगामी पेट का जो एग्जाम होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर बटन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस आ जाए हर एक वीडियो का। चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए। द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।